तुम कब खाना खाओगी? तुम्हारी हेल्प कर दो। आज दामाद की खातिरदारी का दिन है, एंजॉय करो। ओह गॉड, इतना ऑयली खाना है ये। आई मीन इस दाल को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ऑयल के सी में डूब रही है। इसे मैं कैसे खाऊंगी? अरे सिंपल है, ऐसे। वाह जीजी, क्या दाल दाल बनाई आपने। याक, क्या है ये? ये रोटी है। पता है, लेकिन ये कितना अनहेल्दी है। आई मीन हम ऐसा खाना नहीं खाते। नहीं खाते तो फिर आप ऐसे? आई मीन कि ऑयली नहीं है, देसी घी लगा हुआ है इस पे। और देसी घी तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता और मेटाबॉलिज्म को। एक्सक्यूज मी, मुझे आपके ये घी के प्लस पॉइंट्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। थैंक यू। क्या थी? यहाँ बिना घी वाली रोटी पे, तुम ये ले लो। मुझे ये चाहिए। अरे कैसे नहीं चाहिए बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। ना सब्जी डालो ना। सब्जी है, इसमें मिर्ची नहीं है। करण बेटा, आपसे ना एक बात करनी थी। तुम और मैं ना एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हो। नहीं मतलब तुम्हें भी अचानक ही पता चला ना, जैसे हमें पता चला कि तुम्हारी और नैना की शादी हो रही है। तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा? कल्पना, खाना खाने दो इन्हें। अरे तुम क्यों नाराज हो रहे हो? और ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? वैसे भी करण अब हमारा दामाद है, तो उनसे हम खुल के बात कर सकते हैं। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, अरे बेटा आजकल ना लड़का लड़की एक दूसरे को शादी से पहले ही जानते हैं। लेकिन दुनिया के सामने ऐसे दिखाते कि जानते ही नहीं है। आजकल तो फैशन हो गया है, लव की शादी को अरेंज कर दो बस। तुम पर तो ऐसे ही जिम्मेदारियों का बोझ गिर गया है ना, कैसे लगता होगा ना तुम्हें? हाँ सोचो ना, अब एकदम से अचानक से कोई चीज हमारे सामने आ गई तो हम संभाल नहीं सकते ना। लेकिन एक बात बताओ बेटा, आपने बहुत अच्छे से संभाला है ये सब। ये नई जिम्मेदारी, इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा रहे हो तुम। इस फैमिली में शादी को लेकर सबकी उम्मीदें मुझसे बढ़ती जा रही हैं। आई थिंक इन्हें लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूं। जिस काम के लिए मैं बूंदी आया था उसके लिए यही वक्त सही है। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे भी आपसे कुछ कहना था, पर सोचा कि खाना खाने के बाद आराम से बैठ के बातें करेंगे, तब कह दूंगी। लेकिन जब दिल में बात आती है ना तो कह देनी चाहिए। आपकी बड़ी बेटी मेघना की डोली इसी शर्त पर उठेगी कि आपकी छोटी बेटी नैना की शादी मेरे छोटे बेटे करण के साथ होगी।
आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। जिन हालात में शादी हुई, कुछ सोचने का समझने का मौका ही नहीं मिला। शादी का फैसला सबके लिए बहुत मुश्किल था, मगर आपने और नैना ने कोई शिकायत नहीं की। शादी के लिए हाँ कहकर दोनों परिवारों का मान रखा। बेटा, अगर उस दिन टोली खाली जाती ना, तो इस समाज में हमारे परिवार का, मेघना का बहुत तिरस्कार होता। लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। थैंक यू बहुत बहुत छोटा शब्द है बेटा, लेकिन फिर भी मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। बेटा, मेरे मन में बाबूजी और निर्मला जी के लिए बहुत इज्जत है, जिन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए। हालात चाहे जैसे भी रहे, पर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप मेरे दामाद हो। ओहो जीजी, क्या आप भी? वैसे भी हमारे दामाद बहुत कम बोलते हैं, अभी कुछ बोलने ही जा रहे थे कि आप बीच में बोल पड़े। चलो कोई बात नहीं, करण बेटा अब बोलो, आपको जो कुछ भी बोलना है। कल्पना, इनकी आंखें ही सब कुछ बता देती हैं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ईमानदारी है इनकी आंखों में और एक अच्छे इंसान की पहचान। तो करण बेटा, ईमानदारी से ही सही, बोल दो जो कुछ बोलना है। शादी में जो भी हुआ वो, पर फिर भी ये सब कितने प्यार से हमारा स्वागत कर रहे हैं। इस फैमिली के बहुत इमोशन जुड़े हैं शादी से, और कहिए करण, कुछ कहना था आपको? मैं कहना चाह रहा था कि आपके हाथ का खाना बिल्कुल हमारी मॉम जैसा है। सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, सब कुछ खत्म करना होगा। मॉम, सारा का सारा प्यार सिर्फ करण के लिए, और मैं दोनों के लिए। आपके पास हैंड वॉश नहीं है और आप लोग इससे हाथ धोते हो? I'm sorry but this is really unhygienic और मैं इसे हाथ नहीं धो सकती। देखिए, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। Don't worry, हाँ, आप धो लीजिए इससे अपने हाथ, कुछ नहीं होगा। आप इसे बोलेंगे और मैं इसे अनहाइजीनिक साबुन। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और हाइजीन के बारे में तो मैं आपसे ज्यादा ही जानता हूँ। अब ये साबुन कैसे क्लीन करती है, आई एम श्योर इस साइंस में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, पर मेरे कहने पर, because I know it's not unhygienic, आप हाथ धो लीजिए। I'm sorry, इस पे सबके कितने dirty hands लगे होंगे और मैं इसे हाथ नहीं धो सकती। मेरे लिए कुछ और लाइए, something hygienic please। Hygienic, जिस पे किसी के हाथ ना लगे हो, right? Right. अच्छा, एक मिनट, I'll be back, okay? ये लीजिए, ये राख, it's very hygienic. एक तो इसके सारे जर्म्स जल चुके हैं और इस पे किसी और के हाथ भी नहीं लगे हैं। How dare you? मैं तुम्हारे यहाँ पे गेस्ट हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? Just wait, मैं अभी डैड से कंप्लेन करूंगी। कोई बात नहीं, आपके डैड से मैं ऑलरेडी एक बार थप्पड़ खा चुका हूँ, सो इट्स ओके। ख्याति बेटा,
आज रात को अगर हम सबके साथ रह जाती तो अच्छा होता। रियली सॉरी आंटी, मैंने भी यही सोचा था कि मैं यहाँ पे भी अपने भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन मैं यहाँ कैसे रहूँ? आपके यहाँ तो ऐसी भी नहीं है, और देखिए ना ऑलरेडी पता नहीं कितने मच्छरों ने खून पी लिया है, और लाइट भी कभी कभी चली जाती है। सो हॉट, आप लोग पता नहीं यहाँ कैसे रहते हो। ख्याति, ख्याति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, और भाइयों के साथ टाइम तो तुम जयपुर में भी स्पेंड कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? गुड़िया, नहीं मामा, ठीक तो कह रही है वो। यस आंटी, वैसे भी मुझे अपने कुछ बेसिक नीड्स की आदत है जो आपके यहाँ है नहीं, और मुझे उसके बिना। इट्स ओके मामा, वैसे भी जब लोगों को चीज़ों की आदत पड़ जाए तो उनके लिए कितना भी प्यार हो पूरा नहीं पड़ता, राइट क्या थी? सॉरी आंटी, पर कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो नो प्रॉब्लम। क्या थी? गाड़ी बाहर रेडी है। हाँ भाई, जल्दी चलिए वरना ट्रैफिक में फंस जाएंगे। पर करण, आप तो नहीं। करण भाई मेरे साथ चल रहे, उन्होंने पहले ही कहा था कि वो मेरे साथ जाएंगे। क्या थी? कुणाल जीजू और करण आज रात यही रुक रहे हैं। हम चारों कल आ जाएंगे, इसलिए ढूंढ पा रही। माँ से बात हो गई है, उन्हें अच्छा लग रहा है कि हम सब साथ में हैं, और मम्मा को भी अच्छा लगेगा। करण, प्लीज छोटे जीजू रुक जाओ ना, अब तो आप और मैं फ्रेंड्स बन गए। प्लीज 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 रुक जाओ ना, प्लीज। अरे बेटा हाँ कह दो ना, पर ना इसका प्लीज 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 बंद नहीं होगा। करण बेटा, अब तो सब चाहते हैं कि आप रुक जाओ। रुक जाओ ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। यस। अरे मेरे छोटू, इधर आ। तुम चाहते, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आता हूँ। घर पहुंच के फोन कर देना। हाय, क्या अभी से इतना हुकुम चला रही है? आप कभी से कुछ बोलते क्यों नहीं? माँ दादी को भी बोलना कि मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कुछ कहेंगे नहीं, पर अंदर ही अंदर चिंता करते रहेंगे। बात बदल रहे हो। हाय, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए इतना वारी करती हूँ। मैसेज करते रहना। हाय भाभी। बदतमीजी है, और इतना एटीट्यूड किस बात का? हर बात में चीकू को। आजा चीकू। चीकू पता है क्या, जिंदगी में पहली बार मैं ये सब कर रहा हूं। क्या? तेरे और जीजा जी के लिए अपने इस कमरे की कुर्बानी दे रहा हूं मैं। भैया इसकी कोई जरूरत नहीं। चीकू प्लीज, पता है आई शुड रियली थैंक यू फॉर ऑल दिस। तू कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, और आज देख फाइनली इसका टाइम आया है। पता है अगर तू ना होती ना, तेरे बिना ना ये सब पॉसिबल ही नहीं था। पर मैंने क्या किया भैया? क्या किया है चीकू, एक बार इस कमरे को देख। अरे फर्श पे, खिड़कियों के शीशों पे मैं खुद का चेहरा देख सकता हूँ, कितना साफ हो गया ये सब। कमाल ही हो गया ना, तेरे और जीजा जी के लिए ना इस विशाल ने ये कमरा पूरा खुद साफ किया है। चीकू बस ऐसे ही खुश रहा कर दूं। और मैं सोचती थी सिर्फ मैं ही नौटंकी कर सकती हूँ। भैया अब तो सब ऐसे ही है जी, यहाँ पे सब के सब जॉली।
और मेरा तो बचपन का नाम ही जॉली है। आप है ना बहुत इंजॉय करोगे हमारे साथ, बहुत बहुत इंजॉय करोगे। अच्छा मैंने आप लोगों के लिए पानी रख दिया है, और अगर किसी भी और चीज की जरूरत हो तो पता ही है चाचू के दरवाजे पे दो बार। बड़ा ओवर स्मार्ट हो गया है। अरे चाचू चल इनको आराम करने। अरे जब मैं बताता हूँ तू आजकल वो यहाँ पर हमारे घर में सब ऐसे मजाक। जो कुछ भी ख्याति ने किया उसी को लेकर अपसेट होना। मेघना ख्याति बच्ची है, वो घर में सबकी लाडली है, खासकर डैड की। वो छोटी छोटी बातों पर जिद करती है, कभी भी कुछ भी बोल देती है, पर किसी को हर्ट करने के इरादे से नहीं कहती। कितना अजीब लगता है ना जब अपने घर को अपने परिवार को किसी और के नजरिए से देखे तो। मेघना दूसरों के लिए सिर्फ एक कमरा है, पर मेरे लिए मेरे बचपन का हिस्सा है। न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं मेरी इस कमरे से, वो सारे गम खुशियां जो मैंने अपने परिवार के साथ बांटे हैं, दोनों मामा मामियां विशाल वैभू नैना ये सब मेरे अपने हैं। मैं उन्हें कुछ भी कह सकती हूँ, उनसे नाराज हो सकती हूँ, गुस्सा हो सकती हूँ, लेकिन अगर कोई और इन्हें कुछ कहे तो उस दिन शादी के मंडप में जो भी कुछ हुआ देखना है ना। आई नो तुम्हें उस दिन बहुत चोट पहुंची, पर अपने इस दुख को अपने अंदर मत रखो, निकल जाने दो इसे बाहर। तुम्हें रोना है तुम रो लो, पर अपने इस दुख को गुस्से को बाहर निकाल दो। मेघना मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हें तब तक अकेला नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम खुद को शांत महसूस ना करो। बात शेयर करना चाहती हूं पुना, पर क्या करूं, बहुत कोशिश करती हूं तुमसे सब कुछ कहने की, पर कहा नहीं जाता कि मामा की वो तस्वीर हटती नहीं है मेरी आंखों के सामने से। कमरा विशाल भैया ने हमारे लिए खाली किया, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे। मुझे जहां जाना है मैं जाऊंगा, कौन रुकेगा मुझे? मैं रुकूंगी तुम्हें दिख रहा है मेरी फैमिली तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है ताकि तुम यहां पर आराम से रुको, और तुम्हें बाहर जाना है बिल्कुल नहीं। देखो अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। टिश्यूज लेकर आती हूं। किस हक से तुम मुझे जबरदस्ती कह रही हो कि मैं यहां रुकूं? पूछ रहे हो ना कि किस हक से तुम्हें रोक रहे हो? तो सुनो, उस हक से जिस हक की वजह से तुम मामा से वो सब बातें नहीं कर पाए जो करने के लिए तुम बूंदी आए थे। ये नैना और करण लड़ क्यों रहे हैं? करण उस हक से जिस हक ने तुम्हारी जुबान मामा के सामने बंद कर दी, उस हक से रोक रही हूं मैं तुम्हें।